क्या हाल है, सब ठीक ठाक हो गया? तो गाइस, किस तरह आप सबको पता लग गया होगा कि किधर हम रहते थे, फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, मीठी जेल में। अभी मजा आएगा। तो आज मैंने जॉब से की है छुट्टी, क्योंकि मेरी मॉर्निंग गूगल वालों ने, मैंने गूगल को रिजाइन कर दिया, लीव कर दिया हुआ है। अब मैंने एक जगह पे हो जॉब ढूंढिया, वहाँ पे जाना है। उससे पहले मेरा वीजा एक मैंने अप्लाई किया हुआ था, वो वीजा या वो लेने जाना है, क्योंकि मेरा कल रात मुझे पता लगा है कि हम कौन से यूके, यूरोप, यूएसए में रहते हैं, हमारे लिए कौन सा उसे क्या कहते हैं जो वीजा है वो नहीं है, हम उमरा कर सकते, कितना हमारे पास यानी कि स्टेट पीरियड है एक कार्ड के ऊपर। अच्छा, यानी कि उमरा करने का प्लान बन रहा था या हज करने का प्लान बन रहा था या उमरा करने का, मैं से दोनों में से कोई एक चीज़ करूँगा, लेकिन जो मेरा मोस्टली जो मेरा टारगेट बन रहा है वो मेरा हज का बन रहा है। तो वो मैंने यहाँ से निकलना था, तो इस वजह से गूगल में अब मुझे तकरीबन जॉब्स नहीं होनी थी, तो इस वजह से फिर मैंने लीव कर दिया था। वैसे भी मैंने ओवर स्टे पाकिस्तान में स्टे किया था, तो बस अब जा रहे हैं अपना वीजा लेने के लिए। फिर आ गया, बारी गाड़ी देख रही है, रोज जा रही है और ये गाड़ी जा रही है। यहाँ पे आप ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जगुआर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यानी कि मैं गाड़ी ने मुझे देख लिया फोन करते हुए पुलिस ने, तो वो मेरी थोड़ी दिक्कत भी हो जाएगी। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे सीधा 3 पॉइंट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे घर बैठे लाइसेंस नहीं है ना आते, किस तरह पाकिस्तान में घर बैठे लाइसेंस आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर रूल है तो उसके वो फॉलो करना पड़ता है। ये एक यहाँ पे बस एक है, लेकिन हमने रूल कम ही यहाँ पे भी फॉलो किए हुए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं, ये बस वगैरह जा रही है, सब कुछ जा रहा है। होंडा CRV आ गई गाड़ी, अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। यहाँ पे जी रूट तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारे देसी भाई जान वो कम ही करते हैं, ठीक है, हमें पता ही है। अब हम इतना तो यानी कि यहाँ पे पता है कि किधर किधर कैमरे लगे हैं, किधर किधर कैमरे नहीं लगे, किस गाड़ी को देख के हमने यानी कि पुलिस किस किस गाड़ी में हो सकती है, किस किस गाड़ी में नहीं हो सकती है, तो ये हमने यहाँ पे सारी निशानियाँ रखी हुई हैं। हम उसे क्या खाते है वो देख के गाड़ी भगाते रहते हैं। और कभी भी मेरी गाड़ी तो चलनी होगी कि रोड की जो एक उन्होंने लिमिट स्पीड है उसे फॉलो किया होगा, मोस्टली मेरी गाड़ी ऊपर ही होती है स्पीड, और यानी कि ओवर स्पीड ही होती है। कभी कभी सम टाइम यहाँ पे वो खड़े होते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, कैमरा मैन वाले खड़ी होती हैं, तो ये चल पड़ी। अब तो चलिए शुरू करते हैं। रश देख सकते हैं, सुबह सुबह सिटी वाली तरफ आने का यही अजाब है, सबसे बड़ा अजाब यही है, यहाँ पे रश बहुत होता है। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, हद से ज्यादा यहाँ पे रश होता है, तो देखते हैं क्या करना है, क्योंकि जो टाइम इस वक्त हो चुका है वो हो चुका है 9:38 और मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो थी 9:30 की। देखते हैं अब क्या करना है। हमने अपनी गाड़ी पर लगाई है पार्किंग में अभी, तो अब इसका पार्किंग पे करने जा रहे हैं, वरना वापस आएंगे तो उस वक्त तक हमें एक नया गिफ्ट मिला होगा,
अभी हमने कार पार्किंग करनी है, पे करनी है हमने 2 यूरो की, जब वापस आएंगे तो 120 यूरो का क्लम की फीस ऊपर पड़ी होगी कि आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया और आपने पार्किंग परमिट नहीं लगाया हुआ। तो वो सामने मशीन है, वहाँ से आप लेंगे पार्किंग पीरियड परमिट और फिर लगा के आएंगे गाड़ी पे। और वो आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ से पे करना है। ये बड़ा यही पाकिस्तान होता ग्राम स्कूल से हमने हो जाना था। ये हमें मिला जी इतने टाइम का पीरियड है, इट्स ओके ठीक है। तो अभी यहाँ सफाई रहेगी चिट हमारी, ये चिट वो खड़ी हुई जी हमारी गाड़ी, तो उधर जा के आते हैं उसे। ये भी एक बाइक के मोटर वो बड़ा से आप उधर पे अपॉइंटमेंट से पहले हम रेट तो पता नहीं होगा आप पैसे के अंदर आने देते हैं या नहीं आने देते। तो खैर देखते हैं, लेट्स सी। ये जो कहते हैं जी बाइक के मुल्कों में चोरी होती है, वो देखिए यहाँ पे भी वही पाकिस्तान वाला हिसाब है। बस वो हमारे पाकिस्तान में कहावत बनी हुई है कि बाइक के मुल्कों में नहीं होते, हमारी तो गाड़ियों पे मोस्टली जो जापानीज गाड़ी है यहाँ पे ना उसके नीचे से कन्वर्टर काट लेते हैं। ये भी ठीक है, ये जी हमने लगा दिया यहाँ पे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ये देखिए ये हमारा कार परमिट लग गया, ये हमारी पार्किंग परमिट भी लगा हुआ है और अब जाती है एम्बेसी। तो चलिए अभी जी मैं अपना वीजा लेके आया हूँ, तो बस अब घर जा रहे हैं वापस, रोता रखा हुआ है और नींद भी अभी पूरी नहीं है। आपने घबराना नहीं है, तो इसी वजह से मैंने छुट्टी की थी, हॉलीडेज की ली थी वहाँ से, गूगल से गुड बाय कर दिया गूगल को बेसिकली। तो अब देखे कि क्या होता है कि क्या नहीं होता, क्योंकि जो वीजा मेरी उम्मीद थी उससे बहुत कम का इन्होंने वीज़ा दिया मुझे, ठीक है। खैर मेरा काम तो हो जाएगा इतने वीज़े के अंदर अंदर ही भाई, मुबारक को। अभी देखते हैं क्या क्या करना है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी अभी हमारी गाड़ियाँ गाड़ियों के पास जा रहा हूँ, तो देखते हैं अब क्या करना है। ये देखें जी ये पाकिस्तान में इस गाड़ी की बड़ी कदर है, BMW जैकवार वगैरह की वो आगे से आ रही है, यहाँ पे इसकी कोई कदर कुदर नहीं है। होंडा ट्योटा से सस्ती है, यहाँ पे होंडा ट्योटा की ज़्यादा नहीं है, तो वो मार सह जाती है, ये मार नहीं सहती जी। हम अपने घर पहुँच गए अभी, बस अब अपनी गाड़ी जा रहा हूँ, तो आज आपको विजिट करवाता हूँ अपना घर। जी जी वो मेरी हमारी गाड़ी मार हुई देखने, वो सामने होंडा स्विफ्ट का हमारे पाकिस्तान में मुकाल 11 मॉडल होंडा सिटी जैसे उसकी शेप है, वो ट्यूटा ये फीयर खड़ी हुई है, वो फीडा खड़ी हुई है, वो ट्यूटा तो उसकी खड़ी हुई है। ठीक है, और ये BMW खड़ी हुई है जी, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था जी। गाइस ये मैं बना रहा हूँ शामी कबाब, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये करारा हमारे घर में मेरा देख लें, ये भी मैं सेट करूंगा सारा। तो ये हमारा घर है सारा, वो सामने ये हीटर है, हीटिंग भी लग रही है लेकिन हीटर ज्यादा बेहतर रहता है,
बंद है। तो ये हमारा घर है इधर डबलर में, 4 बेडरूम हाउस है, 3 बेडरूम हाउस 3 ऊपर है और 2 नीचे है। ये फ्रिज खुली है। तो ये हमारा घर है और ये बाहर टेरेस आ जाता है हमारे बाहर, जो टेरेस है बाहर बारिश हो रही है यहाँ पे मोस्टली। हम तो इसके बाद आगे उधर हो गया क्योंकि यहाँ पे रहती बारिश ही है, तो इस वजह से ये जी हमारा घर वगैरह है। तो ये अभी मैं कबाब अपनी टिकिया शिकियाँ बना रहा हूँ क्योंकि ना सम टाइम ना इनको अब तर के रेडी टू गो कर लूँगा। ये आप कहेंगे चूल्हा आपका छोटा सा है क्योंकि इसके नीचे लगा हुआ है इलेक्ट्रिक चूल्हा, ठीक है। हम वो नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि वो एक तो वो सही हीट नहीं पकड़ता, ठीक है, क्योंकि और एक उसका बिजली का बिल बहुत है, इस वजह से हमने ये सिलेंडर साथ अलग से रखा हुआ है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम मोस्टली यही ही इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा ही। ये हमने फ्राई पैन ऊपर रख लिया है तो बस अब इसे फ्राई करके और फिर काम तमाम। और ये जो हमने टिक्की रख दी है फाइनली फाइनल स्टेज में, बाकी मैंने सब कुछ बना बना दिया है तो बस अब बर्तन धोने में रह के ये अंडा रखा हुआ है, थक गया। ये मैंने इस वजह से बनाई है क्योंकि समटाइम हम रेडी टू गो करके रख लूंगा, अब इसे फ्राई करके रख दूंगा फ्रीज करके, जब ये थोड़ी सी ठंडी पियेंगी फिर ये डब्बा पर इस डब्बे में फ्रीज कर लूंगा। फिर क्योंकि मैं समटाइम होता हूँ जॉब वगैरह पे होता हूँ तो मैं इसे नहीं खाई जाती, यानी कि खाना वगैरह मैं बाहर से, मैं क्योंकि कुछ लोग झटके वाले चिकन वगैरह खा लेते हैं लेकिन मैंने वो खाता, तो इस वजह से मैं मोस्टली पाकिस्तान में भी जाऊँ मैं मोस्टली घर से ही खाना खाता हूँ, मम्मा को पता ही है, ठीक है। तो ये अब हो रही है, ये जो भाई बाहर आना चाहते हैं वो ये सीख लें, ये सारा कुछ करके आना आप आए, ये तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। मैं भी आया था मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई थी लेकिन आस्ता आस्ता अब सही हो गई है क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया भाई रहते हुए।